इंडो ग्रीक रूलर से। और इंडो ग्रीक रूलर ने इंडियन कल्चर को भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की। साथ में आगे हम पढ़ेंगे सकास, ये लोग भी इंडिया में आएंगे और ये कहाँ रूल करेंगे, गुजरात वाली साइड, वहां पर इनका रूलिंग होगा। उसके बाद कुषाण डायनेस्टी, इसने भी रूल किया। ये भी कुछ नए लोग नए कल्चर के इंडिया में आएंगे, जिसका एक फेमस रूलर हमें कनिष्का दिखेगा। तो ये जो रूलर है, फॉरनर रूलर जो इंडिया में उस टाइम आए आफ्टर मौर्य पीरियड, इन्होंने कुछ यूनिक चीज इंडियन कल्चर में इंट्रोड्यूस की, चाहे इकोनॉमी के लेवल पर या पॉलिटी के लेवल पर, वो सारी चीजें हम जानेंगे। इंडो ग्रीक आए कहां से, यूरोप से। और हमने पढ़ा भी था कि बहुत सारे लोग वहां से आए थे, हेलियोडोरस जो इंडो ग्रीक का एक एम्बेसडर था और यहाँ पे आता है और साथ में गरुड़ पिलर बनवाता है और बोलता है कि इंडिया में भागवत रिलीजन को काफी ज्यादा मानते हैं। किसके टाइम आता है, सुम के टाइम, पुष्पमित्र सुम। उसके बाद इन्हें लगता है कि भाई हम लोग इंडिया पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं या यहाँ के रिसोर्स को अपना यूज कर सकते हैं, वो सारी बातें हमें ये बताता है। तो उसी को ये यूज करने की कोशिश करेंगे। और ये फर्स्ट रूलर थे इंडिया में जिन्होंने कॉइन इंट्रोड्यूस किए, और उस कॉइन के थ्रू हमें बहुत सारी हिस्ट्री पता चलती है, क्योंकि अपने कॉइन पर एक तो पिक्चर रखते थे। एक इनके कॉइन की खास बात क्या थी, पिक्चर होती थी, जैसे अभी हमारी जो करेंसी है उस पर गांधी जी की फोटो आपको दिखती है, ऐसे ही अपने गॉड का या अपने किंग का, ये सारी चीजें यूज करते थे। साथ में उस पर डेट होती थी, डेट से भी हमें पता चलता है कि भाई ये, और साथ में नेम भी होते थे कि भाई किस रूलर का ये कॉइन है। तो इनके कॉइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉइन के थ्रू हम बहुत सारी चीजें इनके बारे में जान पाते। और कॉइन की एक और खास बात, इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखाया जा सकता, जैसे लिटरेचर में होता है या रिलीजियस टेक्स्ट में होता है, थोड़ा सा बढ़ा के दिखाया जा सकता है। इन कॉइन में ऐसा बढ़ा चढ़ाने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि स्पेस भी नहीं होता। तो इससे हमें इसकी हिस्ट्री, तो कॉइन के थ्रू हम जो पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो इंडो ग्रीक की है, और इनके कॉइन काफी ज्यादा फेमस थे। पर हमें पता चलता है कि फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर जो इंडिया आया था उसका नाम था मिनांडर। तो मिनांडर ये फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर था जो इंडिया आया। और इस मिनांडर के बारे में हमें कैसे पता चलता है, एक बौद्ध टेक्स्ट है, बौद्ध रिलीजन से जुड़ा हुआ एक टेक्स्ट है, और उस बौद्ध टेक्स्ट में इस मिनांडर के बारे में बोला गया है। और इन्होंने कहा कि भाई हमने एक बुक लिखी थी, एक लिटरेचर की, जिसका नाम था मिलिंद। तो एक मिलिंद बुक में इनका जिक्र मिलता है, और जिक्र क्या है कि इनका एक बौद्ध मॉन्क से आचार्य उन आचार्य के साथ इनकी डिबेट हुई थी, जिनका नाम था आचार्य नागसेन। तो नागसेन के और इस मिनांडर के बीच थोड़ी सी गर्मा गर्मी टाइप की हुई थी, या कह सकते हो डिबेट हुई थी। एक तरफ नागसेन बौद्ध रिलीजन के बारे में बताते हैं, दूसरी तरफ मिनांडर अपने रिलीजन के बारे में बताता है। दोनों के बीच काफी ज्यादा डिबेट चली, थोड़ी सी पॉजिटिव डिबेट भी थी, क्योंकि दोनों ने अपने कल्चर की चीजों को बताया, और अंत में जो नागसेन है वो जीत गए बौद्ध आचार, और फिर बाद में मिनांडर ने भी बौद्ध रिलीजन को अपना लिया। पहले ऐसे ही हुआ करता था कि एक दूसरे से डिबेट होती थी, और जब डिबेट में कोई जीत जाता था तो मान लिया जाता था कि इसके थॉट ज्यादा प्रोग्रेसिव है एज कंपेयर टू मेरे, तो उसके बाद उसके थॉट के अकॉर्डिंग जीवन जीना पड़ता।
ये सारी चीजें एक तरीके से मोरली लोग अपनाते थे। तो ऐसा ही हुआ नागसेन और मिनांडर के बीच, और फिर उन्होंने ये सारी चीजें कही। साथ में मिलिंद पनो एक और बौद्ध लीजन का टेक्स्ट, उसमें इनको मिलिंद नाम से जाना जाता है कि भाई कोई मिनांडर नाम का इंडो ग्रीक रूलर इंडिया में आया, साथ में उसके कॉइन भी थे, और इसके अलावा उसने डिबेट भी की बौद्ध लीजन के आचार्य नागसेन के साथ, और डिबेट में नागसेन जी जीते, लेकिन मिनांडर ने भी काफी अच्छे से अपनी बातों को रखा। उसके अलावा मिनांडर के जो कॉइन हैं, इनके कॉइन पर हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं जो इनकी चीजों को बताती हैं। सबसे पहली बात, ये ऐसे फॉरनर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में गोल्ड के कॉइन निकाले। इन्होंने गोल्ड के कॉइन निकाले, इससे पता चलता है कि इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी थी, क्योंकि गोल्ड कॉइन निकाला है तो इसका मतलब इनके पास रिसोर्स थे, और ये दिखाता है इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो इनके पास गोल्ड कॉइन थे, इससे पता चलता है कि इन्होंने इंडिया में काफी ज्यादा रिसोर्स इकट्ठे किए और साथ में अपने वहां से भी लाए होंगे। और इनकी जो गोल्ड कॉइन को दिरम कहते थे लोग, दिरम जैसे हम लोग कहते थे दाम, भाई क्या दाम दिया है, जैसे आज के टाइम हम रुपया यूज करते हैं, ऐसे पहले इंडिया में दाम यूज किया करता था। ऐसे ये लोग गोल्ड कॉइन को कहते थे दिरम, कि ये हमारा दिरम है। और आगे जाके आप देखेंगे दीनार, ये भी यूज करेंगे अरेबियन लोग। तो ये दिरम, दीनार या दाम या रुपया, ये सब कहीं ना कहीं करेंसी को कहा जाता था। साथ में इनके आने की वजह से हमें बहुत सारी इंडो ग्रीक लैंग्वेज जानने को मिली, इंडो ग्रीक लैंग्वेज। और हमने जब अशोक के पिलर पड़े थे उस टाइम भी हमने जाना था कि अशोक ने भी अपने कुछ पिलर को ग्रीक लैंग्वेज में लिखवाया था। इससे पता चलता है अशोक जहां रूल करता था, कुछ लोग इस ग्रीक लैंग्वेज को भी जानते थे। इसलिए अशोक किसी को बहाना नहीं देता था कि भैया हम तो समझ नहीं पाए, हमें वो लैंग्वेज नहीं आती। इसलिए अशोक ने अपने पिलर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखवाए। तो इन इंडो ग्रीक का एक इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये अपने साथ इंडिया गोल्डन कॉइन लेके आए। उन गोल्डन कॉइन में बहुत सारी पिक्चर, बहुत सारी डेट, साथ में नेम, ये सब हमें दिखे, और इससे हम उनकी हिस्ट्री को समझ पाए। और इनका एक इम्पोर्टेंट रूलर जिसका नाम है मिनांडर, बौद्ध लिटरेचर में उसे मिलिंद कहा गया है। और मिलिंद पनो एक ऐसी टेक्स्ट है बौद्ध धर्म की जिसमें आचार्य नागसेन और मिनांडर के बीच डिबेट को बताया जाता है। अंत में मिनांडर भी बौद्ध रिलीजन को मान लेता है। फिर उसके बाद फर्स्ट ऐसे रूलर हैं जो गोल्डन कॉइन, फॉरनर रूलर जो गोल्डन कॉइन इंडिया में लाएंगे, और ये लोग अपने कॉइन को बोलेंगे द्रम, और इंडो ग्रीक लैंग्वेज का भी इंडियन सोसाइटी में आना होगा। तो ये हमने जाना इंडो ग्रीक रूलर के बारे में, क्योंकि ये फॉरनर है तो इनके बारे में ज्यादा हम जानते नहीं, जितना थोड़ा बहुत है वो हमें बस जानना होता है कि हाँ ये लोग आए थे। अगली बात आती है सकास के बारे में, कि भाई सक क्या थे, इन्होंने क्या किया। सेकेंड जो रूलर फॉरनरों में आए वो थे सक, इन्होंने गुजरात और उसके आसपास के जोन को अपना पॉलिटिकल हब बनाया, और वहीं से एक तरीके से रूल करना स्टार्ट किया। और इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस इंडिया में खोली, और इनके अलग अलग रूलर अलग अलग ब्रांच में रूल करते थे। तो इंडिया में डिफरेंट ब्रांच इनकी और उनके हिसाब से ये लोग चलते थे, और जो सबसे ज्यादा फेमस थी वो थी गुजरात के सौराष्ट्र।
और इन्होंने जिस एरिया पर कब्जा किया वो एरिया इंडो ग्रीक का था, तो इन्होंने इंडो ग्रीक रूलर को वार में हराया। तो इन्होंने डिफीट किया किसको, इंडो ग्रीक को। और इंडो ग्रीक जहां जहां रूल करते थे उसी एरिया पर कंट्रोल किसका हुआ, सक का हुआ। और फिर उसके बाद इंडो ग्रीक रूलर का इंडिया से एग्जिट हो गया। और इन्होंने इंडिया के कुछ इंपोर्टेंट प्लेस पर कंट्रोल किया, जैसे हमारी जो एक यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, जहाँ के एक प्रोफेसर हमारे चाणक्य जी भी थे, उस यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया पे इन्होंने कंट्रोल किया। साथ में वहां पर भी इन्होंने बौद्ध लीसन से जुड़ी हुई चीजों को जाना। इसके अलावा ये मथुरा, जो इंडिया का एक रिलीजियस प्लेस है और कृष्ण जी का जन्मभूमि भी है, वहां पर इन्होंने कब्जा किया। और मथुरा में भी इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो भी इन्हें चीजें अच्छी लगी वो सारी चीजें करवाते हैं। साथ में आगे बढ़ते हैं नासिक, जो महाराष्ट्र वाले एरिया में, वहां पे इन्होंने कंट्रोल किया। और उसके अलावा उज्जैन, उज्जैन ये कुछ एरिया थे या कुछ प्लेस थे जहां पर सकाज ने कंट्रोल किया, तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैन। तो यहां पे कंट्रोल करके इन्होंने अपना रूल चलाया। नासिक इनका एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। साउथ में अगर बात करें या सेंट्रल एशिया की बात करें तो सतमाला अजंता के पास जो डेकन प्लेटू में मिलता है नासिक, उस नासिक में इन शकों का एक डायनेस्टी रूल करता था जिसका नाम था छैराट डायनेस्टी। तो इनकी छैराट डायनेस्टी रूल करती थी नासिक में। और छैराट डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर जो यहाँ रूल करता था वो था नहपान, रूलर नहपान। ये एक तरीके से रूल करता था। साथ में इन्होंने उज्जैन, उज्जैन आगे चल के एक इंपॉर्टेंट प्लेस बनेगा जिसके लिए बहुत सारे लोग लड़ेंगे भी, एक तरफ रास्कू, दूसरी तरफ कनिष्क, साथ में हर्षवर्धन, ये सारे लोग उज्जैन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अब धीरे धीरे जो हम राजगिरी देख रहे थे, पाटलिपुत्र देख रहे थे, काशी देख रहे थे, इनका डिक्लाइन होगा और कुछ नए शहर इंडिया में बनेंगे जिनमें एक है उज्जैन। उज्जैन भी इसी टाइम बढ़ता है और उज्जैन काफी ज्यादा फेमस एक रिलीजियस प्लेस भी है, वहां पर भी ये लोग अपना कंट्रोल करेंगे। और उज्जैन में इनका एक और दूसरी डायनेस्टी या एक और फैमिली वो कंट्रोल करती है। उज्जैन में जो फैमिली इनकी कंट्रोल करती है उसको बोला जाता है चास्टन, चास्टन डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी में एक रूलर हुआ करता था जो भी काफी फेमस है, जिसका नाम था रुद्रदमन, रुद्र दमन। आपने सुना होगा रुद्राक्ष, शिव जी से जुड़ा जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है रुद्र दमन। और शिव जी का एक रौद्र रूप हुआ करता था जो काफी वॉयलेंट हुआ करता था, उसी से जुड़ा हुआ इनका नाम है। हो सकता है इन्होंने इंडिया में आके ये नाम थोड़ा चेंज कर लिया हो। तो रुद्र दमन ने भी उज्जैन में एक तरीके से कंट्रोल किया। साथ में हमें कुछ पिलर्स, साथ में कुछ हिस्ट्रियों के थ्रू एक चीज पता चलती है कि जो नासिक का रूलर था और जो कि काफी ज्यादा फेमस भी था नहपान, इसको हराया एक वॉर में सातवान रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। एक जगह जिक्र मिलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी और नहपान के बीच वॉर हुआ,
और उस वॉर में नहपान को हरा दिया गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, क्योंकि इनकी टेरिटरी एक दूसरे से थोड़ा सा टकरा रही होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होता ही है और हर रूलर चाहता है उसके पास ज्यादा टेरिटरी हो, तो इस वजह से टकराव हुआ। एक तरफ नहपान, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो हमने देखा था एक फेमस रूलर था सातवाहन का। तो सातवाहन रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी पुत्र सतकर्णी, इन दोनों के बीच एक तरीके से वॉर हुआ। इस वार में इसकी डिफीट हुई, ये जीता। गौतमीपुत्र कर्ण किस रूल था? सातवाहन, जिन्होंने हमने देखा था कि भाई ये लोग सेवन का काफी यूज करते थे और साथ में ब्राह्मण रिलीजन से जुड़ा हुआ था और मैट्रियार्की इनके यहाँ थी। और हमें ये कहां से मिलता था? नासिक में एक कॉइन मिले हैं। नासिक के पास एक प्लेस था जिसमें हमें कॉइन मिले हैं, किसके? जोगल थंबी। जोगल थंबी एक प्लेस है नासिक के पास। उस जोगल थंबी प्लेस में हमें कॉइन मिले हैं और वो कॉइन जो रिलीज किए हैं वो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। अगर किसी के टेरिटरी में किसी दूसरे रूलर के कॉइन मिल रहे हैं, इससे पता चलता है कि उस टेरिटरी को बाद में कब्जा इस रूलर ने कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का प्रूफ है। और वैसे नेपान काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसको थोड़ा सा हराया। क्या एक तरीके से गौतमीपुत्र सतकर्णी की जो पावर थी वो नेपान से ज्यादा थी। साथ में ही रुद्रदमन, जो हमने देखा चाष्टान डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था, रुद्रदमन ने सौराष्ट्र के पास जो सुदर्शन झील बनी थी, सुदर्शन झील जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ये लेक बनवाई थी इरिगेशन के लिए, पुष्पगुप्त वैश्य ने। और वैसे नहीं, जब ये झील बनवाई थी इसका पर्पस था इरिगेशन को प्रोवाइड करना। तो इसका जिक्र मिलता है कि रुद्रदामन ने भी इस सुदर्शन झील को फिर दोबारा से रिजुविनेट करवाया, क्योंकि उसे लगता था अगर ये लेक सही से होगी, साफ सफाई इसकी होगी, इसको फिर दोबारा से यूज किया जाएगा तो किसानों को इरिगेशन फैसिलिटी मिलेंगी, और इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। ये सारी बातें इनको लगी कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी होगी अगर इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी मिले। और एक और खास बात, इस रिजुविनेशन के लिए जो पैसा लगा, ऐसा नहीं कि उसने लोगों पर लगाया, नहीं, उसने ना पब्लिक से टैक्स लिया, ना पब्लिक पर लैंड रिवेन्यू इंक्रीज किया। ये एक इसकी अच्छी बात थी, इसने पब्लिक से नहीं लिया बल्कि अपनी तरफ से ही ये पैसा लगवाया, और बाद में इसका काफी ज्यादा फायदा भी हुआ इसे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जितना टैक्स ये लेता था उसी में इसकी कमाई हो जाती। साथ में एक और रुद्रदमन से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड हमें मिलता है जूनागढ़ में, ये भी गुजरात का ही एरिया। तो रुद्रदमन से जुड़ा हुआ एक और जूनागढ़, और जूनागढ़ में भी इनके बारे में कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और जूनागढ़ में जो पिलर्स हैं उस पर संस्कृत में लिखा है कि रुद्रदमन ने सुदर्शन झील को रिजुविनेट करवाया। तो हमें कहां से पता चलता है कि भाई सुदर्शन झील को रुद्रदमन ने रिजुविनेट करवाया और ना पब्लिक से टैक्स लिया, ना कोई लैंड रिवेन्यू इंक्रीज किया? तो ये सारी चीजें कैसे की? तो ये सब हमें जूनागढ़
का जो पिलर है वो हमें बताता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं शकों ने एक तरीके से रूल किया। अगर आप देखोगे तो ये वाला मैप में ये जो नीला नीला आपको दिख रहा है ये सारा एरिया शक का था। और पहले यहां पे कौन यूज करते थे? इंडो ग्रीक। इधर ऊपर ये वाला कनिष्क का है और नीचे ये वाला जो ग्रीन ग्रीन है ये सातवाहन का है। यहां पर एक तरीके से नेपान, इधर गौतमीपुत्र सत्कर्णी, कहीं ना कहीं नर्मदा रिवर के बेल्ट को लेकर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ और दोनों चाहते थे कि वो फर्टाइल लैंड हमारे हाथ में है, इसलिए दोनों के बीच वॉर हुआ। लेकिन जीत किसकी हुई? गौतमीपुत्र सत्कर्णी की। तो ऐसे हमने देखा सकास के बारे में। सकास का एक इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेस पे एक तो कंट्रोल किया, साथ में इन्होंने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए और लोगों की फैसिलिटी के लिए कुछ चीजों को डेवलपमेंट करवाया और एक नए कल्चर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और गुजरात और उसके आसपास वाले एरिया में, चाहे जूनागढ़ हो या फिर सिंध वाला पंजाब वाला एरिया, पाकिस्तान वाला तक्षशिला हो या फिर मथुरा, उस एरिया में इन्होंने संस्कृत को और ज्यादा ट्रेडिशनली प्रमोट किया। और एक तरीके से इससे हम जान भी सकते हैं संस्कृत को प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से झुके हुए हैं ब्राह्मण रिलीजन की तरफ। ये सारी चीजें हमें सकास के बारे में। अब हमारा लास्ट जो फॉरेन रूलर है वो है कुषाण। तो कुषाण लोग, इन लोगों ने भी एक बड़ी डायनेस्टी का डेवलपमेंट किया और इस कुषाण के जो फाउंडर हैं, कुषाण डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक बेस क्रिएट किया कनिष्का के लिए। सबसे फेमस जो रूलर है वो है कनिष्क, और ये वही कनिष्क है जिसके टाइम हम लोगों ने देखा था कि बौद्ध रिलीजन से जुड़ी हुई, जब गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है या उन्हें महापरिनिर्वाण मिल जाता है, उसके बाद कुषाणों के यहाँ कनिष्क के यही फोर्थ असेंबली होती है। किसकी? बौद्ध रिलीजन की। और फोर्थ असेंबली में महायान और हीनयान इन दो क्लास के रूप में बौद्ध रिलीजन बट जाता है। ये सारी चीजें भी हमने देखी। तो कुषाण के फाउंडर में जो पर्सन रहे हैं उनका जो नाम है, उनका नाम है कुजुल कडफिसिस। कुजुल कडफिसिस ये फाउंडर है और इनके बारे में जिक्र मिलता है कि कुछ कडफिसिस ने कॉपर के कॉइन चलाए। कॉपर के कॉइन चलाए इसका मतलब इसकी इकोनॉमिक पावर इतनी ज्यादा नहीं होगी। जो कुछ कुडिल फिसिस के बाद आता है जिसका नाम है कैड फाइसिस। कैड फाइसिस ये सेकेंड रूलर है कुषाण का। और कैड फाइसिस के समय कुषाण लोग इंडिया में गोल्ड कॉइन रिलीज करते हैं।
इसका मतलब इसके टाइम अब इनकी इकोनॉमिक पावर कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। जब कुछ कलर फेस आए तो उनके टाइम कॉपर का कॉइन, उसके बाद कैडी फेसेस आए इनके टाइम गोल्ड कॉइन। ये दिखाता है इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है। साथ में इन्होंने कॉइन के ऊपर शिव जी का एक व्हीकल जिसे हम जानते हैं नंदी या बैल को एक तरीके से इन्होंने उस पर पिक्चर बनवाई। साथ में इन्होंने त्रिशूल जो शिवजी का एक वेपन है उसको भी बनवाया। और इससे पता चलता है कि ये कैड फिशेस सैव लीजन को मानता था, मतलब शिव जी के लीजन को फॉलो करता था। तो ये शिव का भक्त था, शिवा फॉलोअर। पहले टाइम में एक खास बात ये थी कि जरूरी नहीं है जो आपके माँ बाप का लीजन हो वो आप अपनाओ, आपके पास फ्रीडम होती थी कि आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हो। तो हमने देखा जो पहले वाले हैं कुजल केड फिसेस वो बौद्ध रिलीजन अपनाते हैं, लेकिन दूसरे वाले कैड फिसेस वो सैव रिलीजन को अपनाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। इससे पता चलता है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी और जिसको जो मानना होता था वो मानता। तो इसने ये सारी चीजें की। और सबसे फेमस रूलर जो इनका आता है वो है कनिष्का। कनिष्क इसके टाइम एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई कि बौद्ध धर्म की फोर्थ काउंसिल हुई, फोर्थ काउंसिल ऑफ बौद्ध। और इस फोर्थ काउंसिल में डिवीजन भी हुआ बौद्ध धर्म का, एक तरफ महायान दूसरी तरफ हीनयान। और कनिष्क ने जिसका साथ दिया वो था महायान, कनिष्क इसके साथ था। और हमने देखा भी थी कि महायान वालों को किंग से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, हीनयान वालों को नहीं। कनिष्क इनके साथ खड़ा रहा और इनको सपोर्ट किया और इनके लिए बहुत सारे काम भी उसने करवाए। कनिष्क ने 78 के आसपास रखा। तो कुषाण रूलर क्यों सक्सेसफुल है? रीजन है कि इसने शकों को हराया, डिफीट किया। और जब कोई रूलर किसी रूलर को हराता है तो उसे लगता है कि भाई मैंने इनको हराया है तो इनके बेस पे ही मैं अपना नाम बनाऊंगा। तो ये सारी चीजें इनके उसमें थी। साथ में ये उस टाइम का जो हमारा सिल्क रूट था, सिल्क रूट काफी ज्यादा फेमस प्लेस, चाइना से होते हुए इंडिया, इंडिया से होते हुए अरब, अरब से होते हुए यूरोप। जो सिल्क रूट को या सिल्क वाले पाथ को कंट्रोल करता था उस राजा को काफी ज्यादा बेनिफिट होता था, वो ट्रेड पर टैक्स लेता था। तो कनिष्का ने उसको भी कंट्रोल किया, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ी। साथ में इसके कोर्ट में, दरबार में कुछ फेमस फिलोसोफर, कुछ फेमस राइटर ये भी लोग रहते थे, जैसे इनके यहाँ अश्वघोष। अश्वघोष कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि अश्वघोष कौन है या किसकी कोर्ट में रहते हैं। तो अश्वघोष
जो कनिष्का के साथ ही रहते थे, और ये कौन थे? एक बौद्ध फिलोसोफर, बौद्ध फिलोसॉफी को बताने वाले, और इन्होंने काफी ज्यादा गाइड किया कनिष्क को। साथ में इनके यहाँ एक हेल्थ एक्सपर्ट भी रहते थे जिनका नाम था चरक। और इस चरक ने इनके यहाँ पर ही एक टेस्ट लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता एक टेक्स्ट लिखी, और चरक के बारे में माना जाता है कि ये उन पहले डॉक्टरों में से एक है जिन्होंने सर्जरी को परफॉर्म किया, तो इसलिए ये काफी ज्यादा फेमस है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो उस टाइम इम्पॉसिबल थी। साथ में कुषाण रूलरों ने किंग की वर्शिप, किंग की वर्शिप को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। पहले इंडिया में किंग की वर्शिप नहीं की जाती थी, लेकिन उन्होंने पहली बार किंग की भी मूर्ति बनाई और उसे बिल्कुल इक्वल रखा गॉड के। इसका मतलब ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई हम लोग गॉड के बराबर हैं, तो इसका मतलब हमारी भी पूजा होनी चाहिए, और जो हमारे खिलाफ जाएगा मतलब गॉड के खिलाफ जाएगा। ये सारी चीजें भी दी। तो हमने जाना कुषाण डायनेस्टी, जम्मू कश्मीर, साथ में पंजाब, हरियाणा, यूपी, मथुरा वाला क्षेत्र और सिंध बलूचिस्तान, इस एरिया में कुषाणों ने कंट्रोल किया। इनके जो फाउंडर थे कुजुल कड़फिसिस, जिन्होंने कॉपर के कॉइन रिलीज किए और रिलीजियस डेट लिखवाई और साथ में बौद्ध रिलीजन को ज्वाइन। इनके बाद सेकेंड रूलर आते हैं कैडफिसिस, जो गोल्ड कॉइन रिलीज करते हैं, साथ में सैव रिलीजन को मानते हैं, नंदी की भी पिक्चर बनवाते हैं, और इनके पता चलता है गोल्ड कॉइन की वजह से ये इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग थे। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो रूलर है वो है कनिष्का। कनिष्का के समय फोर्थ काउंसिल ऑफ बौद्ध हुई, जिसमें बौद्ध रिलीजन दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक महायान दूसरा हीनयान। इसके अलावा कनिष्क ने शकों पर जीत के बाद शक संवत चलाया, अपना कैलेंडर रिलीज किया 78 के टाइम। इस कनिष्क के कोर्ट में कुछ फेमस लोग रहते थे, जिसमें से एक थे अश्वघोष, बौद्ध फिलोसोफर। फिर उसके बाद चरक संहिता चरक ने लिखी, जो एक हेल्थ एक्सपर्ट थे। साथ में इनके टाइम में किंग की वर्शिप और किंग की मूर्ति बना के उसकी पूजा भी की जाने लगी। तो ये हमने फॉरेन रूलर के बारे में जाना कि भाई कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई। अगली बात आती है कि मौर्य, आफ्टर मौर्य के बाद जितने भी ये रूलर आए, इन्होंने हमें दिया क्या, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली क्या क्या चीजें थी जो इंडिया में दिखाई देती हैं आफ्टर मौर्य एम्पायर। ऐसा क्या नया इंडियन सोसाइटी में हुआ, कैसे हम लोगों ने कॉपरेशन किया इनके साथ, कैसे ये वो लोग एडजस्ट हुए हमारी सोसाइटी में। तो आफ्टर मौर्य एम्पायर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या की पॉइंट्स इनके, इन्होंने ऐसा हमें क्या दिया। तो कुछ चीजें जो इनकी यूनिक थी, पहली बात इकोनॉमिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर इनका काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा हुई, और ये इकोनॉमी के लेवल पर दोनों तरफ से ट्रेड करते थे, एक तो रोमन से, हमने संगम एज में भी देखा, दूसरा साउथ ईस्ट एशिया से, आसियान कंट्रियों से। यहां से ये लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करते थे।
लेकिन इनका एक्सपोर्ट ज्यादा होता था, इसलिए हमेशा पॉजिटिव में रहे, सरप्लस। ये इनकी एक सबसे बड़ी ताकत थी कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। साथ में इंडिया से क्या एक्सपोर्ट करते थे? तो इंडिया से ये लोग एक्सपोर्ट करने में कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, साथ में क्लॉथ ये भी एक्सपोर्ट करते थे, साथ में ज्वेलरी ये भी एक्सपोर्ट करते। तो इंडिया की ज्वेलरी, इंडिया का क्लॉथ, इंडिया के स्पाइस, ये काफी ज्यादा डिमांड में होते थे वर्ल्ड मार्केट, जिस सब का इन्होंने एक्सपोर्ट किया। साथ में इन्होंने इंपोर्ट क्या किया? तो इंपोर्ट जो जो चीजें हमारे यहां नहीं थी वो ये लोग करते थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड सिल्वर इंडिया में नहीं मिलता, इसलिए ये लोग इंपोर्ट करते थे। ये इनके यहां मिलती है। और प्लिनी एक रोमन फिलोसोफर, वो बोलता है राजा को कि हम लोग इतना ज्यादा अपनी ग्रीड में या अपनी विलासिता में, कंज्यूमरिज्म में इंक्लूड हो गए कि इंडिया सारा हमारा गोल्ड और सिल्वर जाता है। हमारे कंज्यूमरिज्म की वजह से या भोग की वजह से सारा गोल्ड कौन ले जाता है? इंडिया वाले ले जाते हैं और सिल्वर भी, और वहां एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, क्योंकि वो लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। ये सारी चीजें वो बोलता है। इस प्लानी की बातों को ही सुन के रोम के एक एम्पायर जिसका नाम है टेवीरियस या टीवीरियस, थोड़ा सा लोगों को कंट्रोल किया और उसने अपने मंच पर सदन में एक रिजोल्यूशन रखा कि इंपोर्ट को कम किया जाए। ये सारी बातें हमें मिलती हैं और इससे एक चीज पता चलती है कि एंशियंट टाइम में ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ वो कहां से कहां से हो रहा था? ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब रिसोर्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो रोम से ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया की तरफ हो रहा था, मतलब हम लोगों के पास आ रहा था, इनके यहां से जा रहा था। लेकिन जब अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, तो उल्टा हो जाता है। यूके के पास इंडिया से वेल्थ जाती है तो हम लोग लॉस में और ब्रिटिश वाले फायदे में। आज की टाइम बात की जाए तो अभी हम थोड़े से लॉस में ही है, लेकिन धीरे 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 हम लोग पॉजिटिव में आते जाते। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सागरमाला, भारतमाला, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चाहते हैं इंडिया को, अगर सुपर पावर बनना है तो इंडिया को कहीं ना कहीं ट्रेड से प्रॉफिट कमाना होगा और साथ में अपनी जरूरतें और दुनिया की जरूरतें पूरी करनी होंगी। ये इनके यहाँ एक खास बात। अगली बात आती है, और क्या क्या चीजें थी? तो और हमने देखा ही कि भाई स्पाइस भी इनके यहाँ जाते थे और इंडिया का जो ट्रेड है वेस्ट और ईस्ट दोनों से डेवलप था, वेस्ट टू ईस्ट दोनों तरफ हमारा ट्रेड रूट था, तो हम लोग दोनों तरफ ट्रेड करते। और इन्हीं के टाइम कुछ ग्रुप भी हमें दिखाई देते हैं जिनको हम कहते थे श्रेणी, और इन श्रेणियों का काफी ज्यादा रोल है इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट। श्रेणी एक तरीके से आप समझ सकते हो ग्रुप ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर का ग्रुप या बिजनेसमैन का ग्रुप। इसे आपने सुना होगा फिक की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको एक साथ लाते हैं। और ये क्या करते थे श्रेणी वाले लोग?
ये एज अ बैंकिंग भी काम करते थे, मतलब किसी का पैसा रखना, किसी को पैसा उधार देना, ये काम भी ये लोग करते थे। साथ में ये लोग आर्म फोर्स भी करते थे, इनके पास सोल्जर भी थे। सिक्योरिटी के लिए अगर कोई ट्रेडर जाए, कोई उसका लूट ले तो सामान, उसके लिए सिक्योरिटी के लिए ये लोग करते थे। साथ में जस्टिस का काम भी करते थे। किसके बीच, मान लीजिए किसी के बीच ट्रेड को लेके डिस्प्यूट हो जाए, उसका काम भी ये करते थे, जस्टिस वॉच। और साथ में वेलफेयर भी करते थे, पब्लिक को खाना खिलाना हो या दूसरे ट्रेडर की हेल्प करना हो, उसमें भी ये लोग आगे थे। और साथ में कुछ रिलीजियस चीजें भी ये लोग करते थे। तो इस टाइम एक इम्पोर्टेंट पिलर जो आया सामने, वो है श्रेणी। ये श्रेणी ऐसे ही है जैसे हमारी सेबी मार्केट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये बैंकिंग, साथ में आर्मी, साथ में जस्टिस वर्क, वेलफेयर। तो इससे एक बात और पता चलती है कि वह उस टाइम बिजनेसमैन के पास काफी ज्यादा पावर थी, तभी तो इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। और राजा से अलग इनके पास सेना है, जस्टिस के लिए भी सारी चीजें हैं। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, ट्रेड काफी ज्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि जो बिजनेसमैन थे उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत जल्दी उनका सॉल्यूशन मिल जाता था। ये सबसे ज्यादा फायदा हुआ श्रेणियों का। और साथ में ये श्रेणियां कई बार फैमिली के जो इशू होते थे उनको भी सॉल्व करती थी। प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ को लेके झगड़ा हो सकता है, उस सारे में भी इस श्रेणी के पास काफी ज्यादा पावर थी। और ये श्रेणियां एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में काम करती, तो इनको काफी ज्यादा ऑटोनोमी थी। इस वजह से बिजनेसमैन या ट्रेडर को कभी दिक्कत नहीं होती थी, ऑटोनोमी थी, साथ में फैमिली मैटर को रिजॉल्व करती थी, ये भी करती थी। और साथ में इंडिया में कुछ सोसाइटी जो सिर्फ ट्रेडरों के लिए होती थी, वो भी यहाँ पे एक तरीके से दिखाई देती। और इनको स्टेट के द्वारा परमिशन थी ये सब करने की, ये नहीं कि ये अलग से हुआ, नहीं, स्टेट बोलता था ठीक है भैया आप कर लो। साथ में ये लोग एजुकेशन भी चलाते थे, या आप कह सकते हो ये वो सारे काम करते थे जो इनको जरूरी लगते थे और सोसाइटी के लिए जरूरी लगते थे। तो ये श्रेणियों ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा भाई श्रेणी कौन थी, तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जिसमें सारे ट्रेडर एक साथ आते थे। ये लोग काम क्या क्या करते थे? बैंकिंग करते थे, साथ में इनके पास आर्म फोर्स थी, जस्टिस वर्क भी, वेलफेयर, लीजन से जुड़ी हुई चीजें, स्टेट्स को इनसे परमिशन थी, साथ में एजुकेशन पे इनका इंपॉर्टेंट होता, और साथ में ऑटोनॉमी, ये सारी चीजें इनके यहाँ दिखती है। अब अगली बात आती है, सोसाइटी में क्या चेंज हुआ इस टाइम? सोसाइटी में एक बड़ा चेंज हुआ, क्योंकि कुछ लोग अब नए आए, अब इन सबको एडजस्ट करना है सोसाइटी के अंदर। पहले हमारी सोसाइटी में चार वर्ण सिस्टम था, भाई ब्राह्मण था, साथ में क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र। अब ये जो नए लोग आए और साथ में रूलिंग क्लास, इनको कहाँ एडजस्ट करें? इसके लिए ब्राह्मणों ने एक समाधान क्या निकाला, बोले जी क्षत्रिय जो है ना, इसके दो पार्ट बना देते हैं, एक अपर क्षत्रिय मतलब जो लोग पहले से ही हैं, और एक लोअर क्षत्रिय जो बाहर से आए हैं, इंडिया के ओरिजिन के नहीं। ऐसे इन लोगों ने थोड़ा सा चीजें करने की कोशिश की, और इन लोगों को भी शामिल किया। और क्योंकि ये रूलिंग क्लास थे तो इनको ज्यादा नीचे रख भी नहीं सकते, वरना पता चलता ब्राह्मणों को ही पीटने लग जाते। साथ में ही जब ये लोग आए तो इस वैश्य को और शूद्र को इस वर्णा सिस्टम के प्रति अपनी जो बातें हैं उसको कहने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि रूलिंग क्लास चेंज हो गया है, तो और
कभी अपलिफ्टमेंट हुआ और ये भी बोले ये बहुत ज्यादा शोषण करते हैं। एक तो इन्हें बौद्ध जैन के टाइम मिला, दूसरा जब ये इन्वेडर आए तो उस टाइम, और ये हमने देखा भी ऑटोनॉमी काफी ज्यादा वैश्य को जो ट्रेडर हैं बिजनेसमैन है श्रेणी के थ्रू इनको काफी ज्यादा ऑटोनॉमी मिली है, और ये सब ऑटोनॉमी इन्होंने इस डिस्टरबेंस की वजह से ही कहीं ना कहीं इनको मिली है। साथ में इसी टाइम इंडिया में एक नई थॉट आए कलयुग, आप लोग आजकल इसका ज्यादा नाम सुनते हो कलयुग। कलयुग का पहली बार जिक्र मनुस्मृति में मिलता है, मनु स्मृति इसमें मिलता है। और यहाँ कलयुग का मतलब क्या था, यहाँ कलयुग का मतलब ये लोग बोलते थे कि भाई अपने कर्म से आप लोग विमुख हो जाओ, अपना कर्मा ही नहीं कर रहे हो। जैसे एक पिता का धर्म है अपने बच्चों का ध्यान रखना, लेकिन पिता बोले मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खुद अपना काम करो, हमें नहीं पता कैसे करोगे। एक स्टूडेंट का धर्म है एजुकेशन लेना, लेकिन वो एजुकेशन नहीं ले रहा है। इसी को इनके यहाँ कलयुग कहते थे कि भैया आप लोग धीरे धीरे अपने कर्म से भाग रहे हो। साथ में इनको बुरा लगता था जब वैश्य या शूद्र अपर कास्ट की वुमेन से शादी करता था, इसको भी ये बोलते थे। और यहीं से ये बोलते थे कि मैरिज में वर्ण संकर आ गया है। वर्ण संकर मतलब अब कोई मान ही नहीं रहा है ऐसे कि हम लोग इस क्लास के हैं, सब एक दूसरे से शादी कर रहा है। ये सारी चीजों को गलत माना किसने, मनुस्मृति ने, और इसलिए उन्हें अजीब भी लगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मनुस्मृति क्या है, एक तरीके से सोशल नॉर्म्स हैं या सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है। कई बार मनुस्मृति पे थोड़ा सा आरोप लगता है क्योंकि ये थोड़ी सी रिजिड टाइप की भी है, फ्लेक्सिबिलिटी कम देती है, वुमेन के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोलती है, साथ में लोअर कास्ट को भी थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये सारी चीजें इनके यहाँ है। साथ में इनके टाइम रिलीजियस लेवल पे इंडिया में भक्ति की एक नई तरीका आया, और शिव भक्ति ये लोग करते थे। तो रिलीजन के लेवल में इंडिया में भक्ति की एक नई फॉर्म आई, और लोग भक्ति को अपने जीवन में अपनाने लगे। साथ में भक्ति के लिए मन से नहीं मूर्ति भी रखी गई, श्राइन भी रखी गई, लॉर्ड शिवा की श्राइन हो, किंग की श्राइन हो, ये सारी चीजें रखी गई। और साथ में शैव जो रिलीजन था इसके अंदर एक दूसरा कल्ट भी डेवलप हुआ जिसका नाम था पशुपति कल्ट। पशुपति कल्ट, ये एक नया कम्युनिटी डेवलप हुआ, ये लोग पशुपति शिव की वर्शिप करते थे। और इसको जो फाउंडर थे वो थे लकुतिस। तो लकुलिस इसके फाउंडर थे, इन्होंने इसको स्टेब्लिश किया। तो एक नए तरीके से कल्चर डेवलप हुआ। साथ में भागवत रिलीजन वो भी इस टाइम हमें दिखता है, कृष्ण भगवान की जो पूजा करते हैं वो इसका डेवलपमेंट हुआ, और बहुत सारे लोग कृष्ण की वर्शिप करने लगे, लॉर्ड कृष्णा की। आज भी ये चलता है, पहले भी काफी ज्यादा फेमस था। और साथ में ये लोग कुछ अवतार कृष्ण जी के बताने लगे, बालपन का, साथ में आगे भी विष्णु का, वो सारी चीजें एक तरीके से बताएंगे। तो एक तरीके से कुछ नई चीजें हमारी सोसाइटी में आई। तो यही आज की क्लास थी, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।